दिवाली पर्व में स्थानीय लोगों को किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, इसके लिए देहरादून की मित्र पुलिस एक्शन मोड में है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि दिवाली के महीने में कई पावन पर्व आते हैं, जिसे देखते हुए पलटन बाजार और अन्य मुख्य बाजारों वाली जगहों पर पुलिस की पैदल गश्त जारी है, ताकि छेड़छाड़ जैसी घटनाएं ना हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि बाजारों में पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं, ताकि किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, और अतिक्रमण भी हटाए गए हैं। इसके साथ ही बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही भी सुगम हो। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कि ये जो पर्व है दिवाली का पर्व, साथ ही साथ इस माह भी बहुत सारे ऐसे पर्व रहते हैं जो त्योहारों के लिए फेमस है, तो इस कारण से जो खासकर हमारे पलटन बाजार हो या और भी मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, इसमें काफ़ी सारी भीड़ देखी, काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। खासकर महिलाएं बच्चे इसमें ज़्यादा देखा मार्केट में, तो इसलिए पैदल गश्त को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वाहनों के अलावा पैदल गश्त करें, जिससे कि बाजारों में घूम सकें और ऐसे अवांछनीय तत्व कोई घटना ना कर सकें। ईव टीजिंग की घटनाएं पूर्व में कुछ आई थी, उसको देखते हुए पिंक बूथ भी स्थापित कर दिया गया है कि जो भी शिकायत अगर किसी महिला की या किसी अन्य की इस तरह की होती है, मार्केट में आते हैं, तो उसको तत्काल अटेंड कर लिया जाए। तो पैदल गश्त के साथ साथ जो सत्यापन अभियान और साथ ही साथ जो अतिक्रमण त्योहारों में देखा जाता है, छोटे छोटे फाड़ ठेली लग जाते हैं, उसको भी नियमित रूप से हटाया जा रहा है, जिससे कि जो है हमारे जो कस्टमर आते हैं यहाँ पर बाजारों में आते हैं, उनकी सुरक्षा बनी रहे और सुगमता भी बनी रहे।